आज इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी चंद ऐसी औरतों के बारे में जो टांगे उठाने की बजाय घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं। तो इसकी तीन निशानियां होती हैं, यानी कि उनके घोड़ी बन के हम बिस्तरी करना काफी ज्यादा पसंद होता है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मियां बीवी का एक दूसरे से जिंसी और जिस्मानी सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी वक्त किसी भी तरीके से क्यों ना हो। लेकिन बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं जो एक मखसूस तरीके को पसंद करती हैं, कोई लेट कर और पसंद करती है, कोई बैठकर और कोई खड़े होकर हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। इन सब के अलावा बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं जो घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ चंद ऐसी खास निशानियां शेयर करूंगी जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर कमर पतली होना। वो औरतें जो टांगे उठाने की बजाय घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं, तो ऐसी औरतों की कमर अक्सर पतली होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि ये पोजीशन कमज़ोर और पतली लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। कमज़ोर लड़कियां इस पोजीशन में हम बिस्तरी करने से बहुत मुतमईन होती हैं और ऐसी लड़कियों को हम बिस्तरी के दूसरे तरीकों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसीलिए वो घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। और दूसरे नंबर पर छाती का बड़ा होना। वो औरतें जो टांगे उठाने की बजाय घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं, तो ऐसी औरतों की छाती अक्सर बड़ी होती है। ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है, ऐसी औरतों को हम बिस्तरी का बहुत तजर्बा होता है और जब वह घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं तो इनकी छाती नीचे लटक जाती है, जिसकी वजह से छाती का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और बाद में बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मज़े की लुक्स प्रोवाइड करता है। और नंबर थ्री बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करते हैं ताकि इस तरह की मज़े मज़े की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो तीसरे नंबर पर टांगे बड़ी होना। वो औरतें जो टांगे उठाने की बजाय घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं, तो ऐसी औरतों की टांगे अमूमन बड़ी होती हैं। इसकी वजह ये है कि हम बिस्तरी के दौरान इनके जिस्म का सारा वजन टांगों पर होता है, तो जिस औरत की टांगें मजबूत होती हैं वो इस पोजीशन को हम बिस्तरी की इंजॉय करती है, और जिन औरतों की टांगें कमज़ोर होती हैं तो वो हम बिस्तरी के दौरान अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती और बहुत कम घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहता है। अगर आप लोगों को भी वीडियो मज़े की लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।